और सारे यहाँ बैठे हुए लोग उसको यहाँ बहुत बड़ा अवसर मिल गया है। आपने कहा के मौके मिले, हमको जानता नहीं पहचानता नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम जी से बहुत तक यहाँ आना होता है, तो 3 साल से यहाँ आना है। और ये फिर इनके मार्गदर्शन की उनकी जो जयपुर से जुड़ों को मिली है अच्छाइयाँ सब इंश्योरेंस है, उनकी अपनी कोई भी गुण अपना नहीं। जब तक इंश्योरेंस नहीं था उनके पास कुछ नहीं था, इंश्योरेंस था तो उनको उनके भाव भी छूने लगे। इतने और इतने ईमानदार बताए गए, हमने तो मन को मन जानता नहीं, मैं कह ये सारी चीज़ें ईश्वर की देन होती हैं, जिसने तो आपको सारे संसार को भगवान को पैदा किया है। और उसी भगवान में जमीन आसमान आते हैं, चाँद सूरज जाता है, ये सारी चीज़ें जो ईश्वर ने पैदा किए हैं, ये सब हम लोग भोग करते हैं। हम लोग हर इंसान उन सब चीज़ों का भोग करता है। तो ये बड़ी अहम बात है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअली ये सब जितनी भी चीज़ें हम इंसानों के लिए बनाई गई हैं, वो पूरे आसमान और जमीन के बीच की सारी चीज़ें सिर्फ इंसान के लिए बनाई गई, जितनी नहीं बनाई गई। ये सबसे बड़ा जीव है जिसको ईश्वर ने पैदा, और हम उसी की मर्जी से ही पैदा हुए। और अभी ये कविता में उन्होंने बताया कि ये जीना और मरना ये तो अनिवार्य है, जो इंसान पैदा होगा उसको मरना है, जब मरना है तो बीच में तो हमको भोग करना है, वो भी हमको ईश्वर ने बता दिया कि सारी चीज़ों का भोग करना हमारे मुझे हमारी जरूरत है। और वही सब है, वही मालिक है, वही अल्लाह ताला ने हमको जो पैदा किया हमको उसको शुक्र अदा करना पड़ेगा। बगैर किसी अपने केतन पे हमको यहाँ उसने इतने जन्म लिया है, और उन्हीं मर्जी से उठा दीजिएगा। जब इस बीच में हमको सारा काम करना ही है तो शुभ किसका अदा करें, यही एक बात कही जाती है। कोई ऐसी एक शक्ति है जो इस पूरे संसार पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जब एक शक्ति ऐसी है हमको मालूम है, और वो एक ऐसी शक्ति है उसके साथ में एक चीज और चलते जुड़ा हुआ है, वो हमेशा से हमेशा रहेगी, लेकिन वो हमेशा से है हमेशा रहेगी, कभी भी उसका अंत नहीं है। क्यों चलती है जो फैक्ट है उसको अगर हम लोग दिमाग में रखेंगे तो उसका शुक्र अदा करने में मुझे कोई भी परेशानी आएगी, उसका शुक्र करना बहुत आसान होगा। जैसे आप चाय पी रहे हैं तो आपको मालूम है चाय पी रहा हूँ, पानी नहीं पी रहा। आप कभी मैं चाय पी जा रहा और पी रहा पानी, क्योंकि सत्यता वही जो अभी कही गई, वो ईमानदार थे भी आज से, उन्होंने हर चीज को परफेक्ट टाइम से अपने इस्तेमाल किया, और आज भी उनकी याद एक महीने के बाद एक साल के बाद एक सबसे बात भी रहेगी। मेरा आपसे खाली अनुरोध यह है, जिस ईश्वर ने मुझे पैदा किया है बगैर किसी एप्लीकेशन के, और उसी ने मुझको उठाना है बगैर किसी एप्लीकेशन के, तो मानी बात उसी ने हमको सारी चीज़ें करने के लिए बाध्य किया, और हम लोग उसकी बात नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग इसका हमारा जीवन जो है वो निरर्थक ना हो जाए, ये ध्यान रखें। हमारे पास जो चीज़ है जो ईश्वर ने दी है उसका पालन करें, और पालन करना तभी होगा जब उसका शुक्र करें। बहुत अच्छा, शुक्र करना ही हमारा असली चीज है। अगर शुक्र नहीं करेंगे मैं अकेले नहीं आया, आप सब आए, और जितना भी जीव है इस दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर सब के सब उसी का पैदा किया है। यहाँ तक ये चीज जो बनाई गई है इंसान द्वारा बनाई गई, लेकिन रॉ दुनिया की कोई चीज बने है उसका रॉ ईश्वर नहीं पैदा किया, चाहे दुनिया के अंदर रखे और चाहे जमीन के ऊपर उगा के उसका नाम एक चीज है, उसी नहीं पैदा किया। उसको मालूम था मुझे जरूरत है कि उसने हर चीज पैदा की, जितनी चीजें भी है सोना चांदी घास वगैरह सब जितनी चीज खाने पीने की सारी चीज उसको पैदा कर। हमारा काम खाली कर्म करना है,
बाकी सब उसी रुकेगा। इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी हम लोग भी शुक्र करें उस मालिक का जिसने हमको दुनिया के अंदर किसी भी अप्लीकेशन के बगैर जन्म दिया है और वही हमको उठाएगा। इस बीच में हम जितने भी सहायता हो सकते हैं ईश्वर के कोई और नहीं है और करना चाहिए। यही हमारे व्यास जी से कि जानिए तो उनको इतना निर्बल बनाया कितना शुक्र अदा धन्यवाद कि आपने व्यास जी के गुरुओं का इस प्रकार से इतना अच्छा।